छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि एक्सप्रेस वे का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। वही उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं है। वहीं कई मुद्दों को लेकर मंत्री ने संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं खास बातचीत। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद है। अभी वो इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत आई है क्या? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। काम बहुत अच्छा चल रहा है, काम ठीक है, इसलिए कोई शिकायत अभी नहीं है। हम लोग बराबर थर्ड पार्टी से भी जाँच करा दी जा रही है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश जी का निर्देश है। इसके अनुरूप हम लोग पूरा काम करते जा रहे हैं। आज पूरा सचेत है, क्वालिटी में भी, समय सीमा में, अनुशासन। अच्छा, आप बारिश का मौसम आ गया है और आप काफ़ी लेट में निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। लेट में नहीं आया, मैं हर दो महीना निरीक्षण ही करता हूँ, लगातार निरीक्षण चलते रहते हैं। ये एक्सप्रेसवे जो है काफ़ी सुंदर है और चकाचक दिख रहा है, लाइट से सजी हुई है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की कमी और अभी कोई कमी नहीं है और कमी रहेगी। अब गृह विभाग के भी आपके पास है और भाजपा का आरोप है कि अपराध बढ़ रही है जब से कांग्रेस सरकार आई है। कहने को कुछ नहीं है उनके पास, कि वही कहते हैं कहीं पर भी कोई अपराध नहीं बढ़ रही है और अपराध नियंत्रण में है सरकार की। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हुए, लगातार एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने आ रहा है और अब निरीक्षण कर रहे हैं। अभी रायपुर के एक्सप्रेसवे है जो खापाडी में है और गोगांव और बुरिहारी रामनगर, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। एक्सप्रेसवे का हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर काफ़ी चकाचक है, काफ़ी रंग रूप किया गया, लाइट से सजी हुई है। मैं चित्र पटेल, MK न्यूज़ रायपुर।